हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज जो फ्रेम किए गए हैं 21 और 22 अक्टूबर के करंट अफेयर्स से। दोस्तों, इस लेक्चर का पीडीएफ आप पा सकते हैं इस फेसबुक पेज पर, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी सेशन हो, मुझे भेज सकते हैं आप मेरे इस ईमेल आईडी पर। दोस्तों, हमने एसएससी के लिए, बैंक के लिए और जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनके लिए अपने पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, तो उन्हें आप खरीद सकते हैं आप हमारी वेबसाइट पर जा करके, या आप इन नंबर पर कॉल करके भी उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, ये पहला सवाल हमने फ्रेम किया है द हिंदू में आई थी एक न्यूज़, उससे बटरफ्लाइज आर मोर देन अ नैनो अट्रैक्शन इन सिंगूर, जिसमें इस न्यूज़ में जिक्र हुआ है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो देखिए, ये जो JSI है इन पर क्वेश्चन बन सकते हैं और इससे मतलब UPSC पूछती भी रहती है। इन्हें हम लोग इंडिया एयरबुक टाइप के सवाल कहते हैं। तो देखिए सवाल इस पर JSI पर, JSI के बारे में हमने दिया है आपको तीन लाइनें, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट इज़ अ असेसोरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, क्या बात सही है। दोस्तों, ये जो JSI है इसे किसी एक्ट के अंतर्गत नहीं इस्टेब्लिश किया गया है, इसीलिए ये एक असेसोरी बॉडी नहीं है। मेरा पहला गलत हो गया। इट अंडरटेक्स एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट विथ रिगार्ड टू फौना, ध्यान दीजिएगा ये जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ठीक है, वैसे ही एक बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी होता है। और दोस्तों, ये जो BSI है, BSI को फाउंड किया गया था 13 फरवरी 1890 में। ठीक है, मतलब कि अंग्रेज़ों द्वारा। ये अभी जो है वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत काम करता है। किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत ये सर्वे करता है, रिसर्च करता है प्लांट रिसोर्सेज और जो फ्लोरा होता है उसके बारे में। देखिए, ध्यान दीजिएगा, फ्लोरा और फौना अलग अलग होती हैं। फ्लोरा होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं वो सब, और फौना होता है कि मतलब कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं वो सब। ठीक है, तो जो JSI है वो ध्यान देता है फौना पर, और जो बोटानिकल सर्वे इंडिया है वो ध्यान देता है फ्लोरा वाले पार्ट पर। तो चलिए अब देखते हैं, ये जो JSI है वो आपका EAI भी करता है। इट अंडरटेक्स एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। EIA के बारे में पढ़ना है आपको GS3 के अंतर्गत। मेरा सेकंड सही है, मेरा पहला गलत था। इट प्रिपेयर्स रेड डाटा बुक फौना ऑफ इंडिया एंड फौना ऑफ स्टेट्स। ठीक है, भारत के जो फौना है वो और स्टेट्स के जो फौना है वो, उसके बारे में डिटेल्स प्रिपेयर करता है वे। ये मेरा थर्ड सही है, मेरा आंसर है 2 और 3, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। मेरा आंसर है यहाँ पर सी। ठीक है, इट्स एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्टडी ऑफ फौना ऑफ द स्टेट, फौना ऑफ कंजर्वेशन एरियाज, फौना ऑफ इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स, स्टेटस सर्वे ऑफ इंडेंजर स्पीसीज, फौना ऑफ इंडिया। ठीक है, यह करता है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रिपरेशन ऑफ रेड डाटा बुक फौना ऑफ इंडिया एंड फौना ऑफ स्टेट्स। ये EIA भी अंडरटेक करता है। चलिए, तो ये तो क्या जस्टा के बारे में, इसके बारे में एक सवाल और देखिए, सिंपल सा सवाल है। द एक्टिविटीज़ ऑफ JSI आर कोऑर्डिनेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या बात सही है। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत है ये। मेरा पहला गलत हो गया। प्रिपरेशन ऑफ रेड डाटा बुक फौना ऑफ इंडिया, फौना ऑफ स्टेट्स, ये ऑब्जेक्टिव है JSI के, क्या बात सही है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया। मेरा सेकंड सही है, मेरा आंसर है यहाँ पर बी, 2 only इज करेक्ट। चलिए दोस्तों, अगला सवाल फ्रेम किया गया है द हिंदू में साइंस एंड टेक का पोर्शन आता है। ठीक है, तो इसमें जो कैंसर सेल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया था, जो इरेडिएशन उस बारे में डिस्कशन किया गया था। तो सवाल देखिए, ट्रास्टोसोम इज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज़ अ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ब्रेस्ट कैंसर, स्वाइन फ्लू, ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों, ये जो ड्रग है वो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए है। मेरा आंसर क्या है? बी। दोस्तों, जो कैंसर है, ओवर 1 million डाई इन इंडिया एवरी ईयर, हर साल 10 लाख के करीब लोग मरते हैं लोग कैंसर से, और ये जो नंबर है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो आखिर कौन कौन से कारण हैं इस कैंसर की बीमारी के पीछे? ध्यान दीजिएगा, वो हैं टोबैको कंजम्पशन, जो तंबाकू है उसका कंजम्पशन, पॉल्यूशन, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। ठीक है, जो इंडिया है, इंडिया इज़ होम टू 10% ऑफ वर्ल्ड टोबैको कंजम्पशन, मतलब कि पूरी दुनिया में जितना टोबैको कंजम किया जाता है उसका 10% भारत में होता है। ये डाटा है WHO का। हम लोग चाइना के बाद दूसरे नंबर पर हैं।
मोस्ट ऑफ इंडियन सिटीज आर वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज, ठीक है, विथ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेज लाइक बेंजीन, फॉर्मलडिहाइड, हेलोन्स, लेड। ध्यान दीजिएगा, बेंजीन, फॉर्मलडिहाइड, हेलोन और लेड ये सब कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेज हैं, मतलब कि ये कैंसर की बीमारी को जन्म देते हैं। तो इस एक लाइन को इस्तेमाल करते हुए मैं एक सिंपल सा सवाल फ्रेम कर सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेज। वन दे देता आपको बेंजीन, C6H6। यस, देखिए ऐसा होता है, बेंजीन यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, इस पे से लगा होगा एक हाइड्रोजन, 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 ये क्या है, ये एक हेक्सागोन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोजन, ठीक है, छः कार्बन और छः हाइड्रोजन, C6H6, ये होता है बेंजीन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, हर कार्बन जो है वो चार बॉन्ड बनाता है एक हाइड्रोजन के साथ, बाकी ये कार्बन और दो बॉन्ड इस कार्बन के साथ, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बेंजीन है, फॉर्मलडिहाइड है, हेलोन्स हैं, लेड है, ये सब क्या है, ये सब कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस हैं। हैवी यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड अनप्योरीफाइड वाटर, ये हमारे फूड और वाटर को जो है वो कंटेमिनेट करते हैं। मरकरी, लेड और आर्सेनिक जो है वो मेजर पॉल्यूटेंट हैं ग्राउंड वाटर के, ठीक है। तो ये सब समस्या है जिसके कारण जो है वो कैंसर की बीमारी होती है। कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं सरकार के द्वारा, 25 रीजनल कैंसर सेंटर्स हैव बीन सेटअप अक्रॉस द कंट्री फॉर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च ऑन द कैंसर डिजीज। राष्ट्रीय आरोग्य निधि, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पुअर कैंसर पेशेंट। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम NCERT बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, इट कीप्स ट्रैक्स ऑन स्टैटिक्स ऑफ कैंसर केसेज। टू स्प्रेड अवेयरनेस, मेनी स्टेप्स सच एज मैंडेटरी स्टैचुअरी वार्निंग इन सिगरेट पैकेट, आपने देखा होगा कि जो सिगरेट के जब डब्बे होते हैं उसमें वार्निंग लिखी होती है। तो दोस्तों देखिए, कई सारे कंट्री तो ऐसे हैं जिन्होंने ब्रांड को ही ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जो सिगरेट होते हैं उस पर कोई ब्रांड नहीं होता, नो गोल्ड फ्लेक, नो कुछ, ठीक है, कोई ब्रांड नहीं होता, वो सिंपल सा एक पैकेट होता है। कई लोग ब्रांड देख करके सिगरेट खरीदते हैं कि हाँ ये ब्रांड अच्छा है, आप वो खरीदिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसे कहो दोस्तों, इससे जो सेल है सिगरेट का वो कम हो जाता है, मगर पीने वाला तो पीते ही हैं। चलिए अगला सवाल दोस्तों ये है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, इट हैज़ कलेक्टेड मोर देन 5 करोड़ रुपीज सो फार दिस ईयर एज पेनल्टी फ्रॉम NGOs। जो NGO हैं उनसे पेनल्टी के रूप में उन्होंने 5 करोड़ रुपए कलेक्ट किया है, विच हैव फेल्ड टू फाइल देयर एनुअल रिटर्न्स। दोस्तों जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको FCRA के अंतर्गत, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत, उनको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अगर वो फाइल करने से फेल होते हैं तो उनको ये पेनल्टी पे करनी होती है। सवाल ये है कि कौन सा मिनिस्ट्री जो है ये पेनल्टी को कलेक्ट करता है, जो फाइन है उसको वसूलता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दोस्तों ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम है, गृह मंत्रालय है, वो इस फाइन को कलेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि FCRA को यही गृह मंत्रालय ही एडमिनिस्टर करता है। कौन करता है? गृह मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, FCRA को गृह मंत्रालय एडमिनिस्टर करता है। आपको ये बताना है कि जो फेरा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, इसको कौन सा मंत्रालय करता है मिनिस्टर। आपको ऑप्शन यही चार होंगे, आपको बताना है कि फीमा को कौन सा मंत्रालय एडमिनिस्टर करता है। तो ये तो दोस्तों हो गया, इसका आंसर है यहाँ पर सी। रोरो फेरी सर्विसेज कैरेज पैसेंजर्स व्हील्ड कार्गो, क्या ये दोनों को कैरी करता है? मेरा आंसर है क्या? सी। आपको अब दिखाते हैं वो न्यूज़, सवाल फ्रेम किया गया है, व्हाट इज़ गुजरात रोरो फेरी सर्विसेज। देखिए इस पर जो पैसेंजर होंगे उनको भी कैरी करेगा। इट विल बी एबल टू कैरी अप टू 100 व्हीकल्स, कौन कौन से, कार, बसेस, ट्रक्स वगैरह, और पैसेंजर को भी ये कैरी करेगा, ठीक है। तो ये होती है रोरो फेरी सर्विस, जिसका आंसर है यहाँ पर सी, बोथ आर करेक्ट, कार्गो भी और व्हील्ड कार्गो भी, पैसेंजर भी और व्हील्ड कार्गो भी। चलिए अगला सवाल दोस्तों यह है कि रिसिपेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप आर सिलेक्टेड फ्रॉम IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IITs एंड NITs। दोस्तों इन तीनों जगह से सिलेक्ट किया जाता है इन फेलोशिप को। मेरा पहला
दूसरा और तीसरा तीनों सही है। मेरा आंसर है क्या, डी ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। बाकी चीज़ें पढ़ लीजिए यहाँ से। चलिए अगला सवाल दोस्तों है फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर। द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स डैट ग्रांट द राइट टू बाई और सेल एंड अंडरलाइंग एसेट। ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइंग एसेट वो एसेट होती है जो किसी वस्तु, जो किसी चीज़ का जो प्राइस है वो तय करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जो पी नोट्स होते हैं, जो पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं, वो सिंपल एक कागज़ का टुकड़ा होता है, ठीक है। इसका प्राइस कौन डिसाइड करता है? इसका प्राइस डिसाइड करता है वो शेयर्स जो इस डब्बे में रखे होते हैं, ठीक है। तो और बताता हूँ आपको एक और एग्जांपल। देखिए अगर जो यूएस कंट्री है उसमें होता क्या है कि लोग अपने घर को गिरवी रखते हैं, ठीक है, और वो लोन लेते हैं। तो होता क्या है कि जो बैंक है वो उन लोन्स के बेसिस पर भी, वो उन लोन्स पर भी कुछ और इंस्ट्रूमेंट निकाल देते हैं, ठीक है। वो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अपना प्राइस डिराइव करते हैं इस अंडरलाइंग एसेट, मतलब कि जो घर था ना उससे। अगर घर महंगा होगा तो एसेट भी महंगा होगा, ठीक है। तो ये होता है फ्यूचर। ऑप्शंस आर कॉन्ट्रैक्ट्स डैट ग्रांट द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर वाले में आपको राइट टू बाय था और राइट टू सेल भी था, ठीक है। ऑप्शन वाले में आपको राइट तो देता है मगर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता उसे खरीदने का या बेचने का, ठीक है। तो मेरा सेकंड तो सही है, मेरा आंसर है 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। मुझे समझाना था फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में इस सवाल के जरिए। अगला सवाल देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज कोलेबोरेटिंग विथ इंडिया फॉर द फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। काफ़ी आसान सवाल है। आंसर क्या दोस्तों? आंसर है जापान। जापान हमारे साथ कोलेबोरेट कर रहा है। जो शिनसेकन सुपर स्पीड ट्रेन है जापान की, उसके आधार पर हम बना रहे हैं अपना जो बुलेट ट्रेन है वो। अगला सवाल दोस्तों है, स्पेन सैक्स कैटलैन गवर्नमेंट टू होल्ड पोल्स। कैटलोनिया के बारे में सवाल हमने आपको कल ही पूछा था, कल के वीडियो में, ठीक है। कैटलोनिया कहाँ है? ये स्पेन में है। स्पेन का सबसे वेल्दीएस्ट रीजन है दोस्तों। द हिंदू में आया है राकेश सूद जी का एक आर्टिकल, अनरेवलिंग ऑफ द ईरान डील। बाय रिफ्यूजिंग टू बैक द एग्रीमेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ फर्दर डिमिनिश्ड अमेरिकन पावर। दोस्तों ये जो आर्टिकल है काफ़ी पढ़ने लायक था। हमने सवाल फ्रेम किया था पिछली बार ईरान पर, हमने पूछा था आपसे कि इनमें से कौन सी कंट्री हैं जो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। अजरबैजान करता है जी, आर्मेनिया भी करता है, तुर्कमेनिस्तान भी करता है और टर्की भी करता है। देखिए यहाँ पर टर्की तो करता है, आर्मेनिया करता है, अजरबैजान भी करता है ना, तुर्की तो करता है और कौन सा, तुर्कमेनिस्तान, देखिए ये भी करता है। यहाँ पर चारों सही है। मेरा आंसर था यहाँ पर ए, 1, 2 और 3 और 4। ये चारों कंट्री शेयर करती हैं बॉर्डर ईरान के साथ। ईरान जो है वो कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ दोनों को टच करता है। हम आज सवाल पूछेंगे आपसे एक दूसरा। द एरिया नोन एज फरजाद बी, ये क्या है? फरजाद बी गैस फील्ड है। कहाँ है? ये ईरान में है। इट इज़ sometime appears in the news in the context of it is a natural gas field in the Persian Gulf, it is a zone of conflict between Iran and Palestine, it is an oil field located in Iraq which is recently held by ISIS. दोस्तों ये पहली बात, ये तो इराक में तो नहीं है, है ना, ये तो कहाँ है? ये ईरान में है। मेरा थर्ड गलत हो गया। इट इज़ द रीजन ऑफ ट्यूनिशिया वेयर अरब स्प्रिंग स्टार्टेड। नहीं, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे मैं सिंपल सा सवाल पूछ देता कि जो अरब स्प्रिंग है वो किस देश में शुरू हुआ था, अरब स्प्रिंग किस देश में शुरू हुआ था, क्या कहना है आपको? ट्यूनिशिया में शुरू हुआ था, ठीक है। मगर फरजान भी कहाँ है? ये ईरान में है, ट्यूनिशिया में नहीं है। मेरा डी गलत है। इट इज़ अ नेचुरल गैस फील्ड इन पर्शियन गल्फ। मेरा आंसर क्या है? ए। इट वॉज डिस्कवर इन 2012। द टोटल इन प्लेस रिजर्व ऑफ द गैस फील्ड आर अराउंड 21.7 ट्रिलियन क्यूबिक फील्ड। और जो इंडिया है, इट वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द गैस इन दिस फील्ड, ठीक है। हम लोग IPI पाइपलाइन को हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, क्या ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन को लाना चाहते हैं ताकि जो गैस है वो इस फील्ड से इंडिया तक आ सके। हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो
इम्प्रूव हो, हमारा जो एनर्जी का सोर्स है वो और डाइवर्सिफाई बने। अगला सवाल देखिए मैप बेस्ड पर ही है, मैप बेस्ड ही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको दिया है हमने कुछ कंट्रीज, आपको बताना है कि विच ऑफ द एबव कंट्री ओपन आउट टू कैस्पियन सी। अभी मैंने आपको बताया कि जो ईरान है वो टच करता है कैस्पियन सी को और पर्शियन गल्फ को भी, उसके अलावा और कौन कौन सी कंट्री हैं जो कैस्पियन सी को टच करती हैं? रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं हम मैप को। देखिए ये है कैस्पियन सी, इसको छू रहा है ईरान, अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा उज्बेकिस्तान जो है वो नहीं छू रहा। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान अराल सी को शेयर करते हैं, ये है अराल सी। क्या है? अराल सी। ठीक है, तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर रशिया तो था ही, अजरबैजान भी था, ईरान भी था, कजाकिस्तान भी था और तुर्कमेनिस्तान भी था। मेरा आंसर है यहाँ पर डी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, पांचों के पांचों जो है वो देखिए कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों है जो शेयर करता है, दोनों है जो लगता है अपनी बाउंड्री इस कैस्पियन सी से। कैस्पियन सी इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर। ध्यान दीजिएगा वो बॉडी इनलैंड होती है वो जो चारों तरफ जमीन से घिरी होती है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी वाटर बॉडी है। मेरा पहला सही है। इट लाइज टू द ईस्ट ऑफ काकोस माउंटेन एंड टू द वेस्ट ऑफ वास्ट स्टेपी ऑफ सेंट्रल एशिया। बिल्कुल सही है जी। द सी इज बॉर्डर्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बाई कजाकिस्तान, इधर कजाकिस्तान है, इन द साउथ ईस्ट बाई तुर्कमेनिस्तान, इधर तुर्कमेनिस्तान है। बिल्कुल सही है। इट इज बॉर्डर्ड इन द साउथ बाई ईरान, ईरान तो है ही नीचे, इन द साउथ वेस्ट बाई अजरबैजान। साउथ, ये तो साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, इधर है अजरबैजान। ठीक है, ये भी सही है। इन द नॉर्थ वेस्ट बाई रशिया, ये भी सही है। मेरा 1, 2 एंड 3, 4 सभी सही है यहाँ पर। ये आंसर है डी। मैप देख लीजिए दोबारा आप। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड 3 प्राइवेट बैंक्स। कौन कौन से बैंक? मैंने आपको पिछली वीडियो में नाम बताया था उनका, ICICI भी उनमें से एक था। ठीक है, और ये जो 3 प्राइवेट बैंक हैं जो स्मॉल सेविंग स्कीम के अंतर्गत डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, उनमें इंडियन पोस्ट भी है, लाइक द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड मंथली इनकम स्कीम। ध्यान दीजिएगा मैंने आपको पूछा था कि इनमें से कौन कौन सी स्कीम जो है वो स्मॉल सेविंग स्कीम के अंतर्गत आएंगी, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, रिकरिंग डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, ये तीनों आते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम के अंतर्गत। सवाल ये है कि हमने जो डिसीजन लिया है प्राइवेट बैंक्स को ये अलाउ करने का, इससे क्या हम अचीव कर पाएंगे? द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट विल हेल्प इन अचीविंग हायर मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन। दोस्तों इस तरीके से ये जो अनाउंसमेंट है उससे ज़्यादा लोग फंड को, ज़्यादा लोग पैसे को डिपॉजिट करेंगे बैंक में, जो मोबिलाइजेशन होगा फंड का वो ज़्यादा होगा। मेरा पहला सही है। इसके अलावा दोस्तों जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो और डीप होगा, मतलब कि और ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सर्विसेज वगैरह मिल पाएंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं कहता हूँ फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसका मतलब ये होता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, कौन कौन सी, बैंकिंग की, शेयर मार्केट की, इंश्योरेंस की, इन सब की जो सर्विसेज हैं उनका यूनिवर्सल एक्सेस हो सके, आपको हर समय मौजूद हो और वो अफोर्डेबल कॉस्ट पर मौजूद हो। ये नहीं कि उसको, उसका दाम काफ़ी ज़्यादा है, अपने औकात से बाहर है, ऐसा नहीं। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसके लिए हमें उसका दाम कम रखना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको, उसका फ़ायदा उठा सकें। तो मेरा पहला सही है, मेरा सेकंड भी सही है। मेरा आंसर है यहाँ पर सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए अगला सवाल दोस्तों है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान पर, NEMMP। इट एम्स टू अचीव नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री। क्या बात सही है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इस नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान को 2013 में। मेरा पहला सही है। इट इज़ बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। जी हाँ जी, बिल्कुल सही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री द्वारा इन्वेस्टर किया जा रहा है। मेरा सेकंड सही है। मेरा आंसर है यहाँ पर सी। दोस्तों ये जो स्कीम होगा इसके अंतर्गत ही एक और लॉन्च किया गया है
फेम इंडिया, इसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अंडर द इसी, ये जो प्रोजेक्ट है ना दोस्तों, ये जो प्लान है इसी के अंतर्गत लॉन्च किया गया है फेम इंडिया को। इट्स एम इज़ टू प्रमोट इको फ्रेंडली व्हीकल, कौन कौन से, हाइब्रिड वाले और इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले को। चलिए अगला सवाल दोस्तों है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पर, क्यों, क्योंकि जो ट्रंप साहब थे उसका स्टेटमेंट आया है, जो ईरान डील है उसका स्टेटमेंट आया था, जो आईएई है उसके बारे में सवाल है। इट इज़ वर्ल्ड्स सेंट्रल इंटरगवर्नमेंटल फोरम फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड, क्या बात सही है, जी हाँ जी बिल्कुल सही है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं है, वियना में है, VIENEE, ठीक है, मेरा सेकंड गलत हो गया, मैंने क्या किया, मैंने ए काटा, बी काटा और सी भी, डी भी काटा, मेरा दो यहाँ है, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, मेरा आंसर आ गया आराम से सी, 1 and 3 आर करेक्ट। इसको 2005 में नोबेल का पीस प्राइज दिया गया था, ठीक है, मेरा थर्ड सही है। कांगड़ घाटी नेशनल पार्क, ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पर एक छिपकली की प्रजाति पाई गई है, गेको, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये जो कांगड़ घाटी नेशनल पार्क है, ये कहाँ है, किस राज्य में है दोस्तों, आपको मैंने पहले बताया था कि ये छत्तीसगढ़ में है, मेरा आंसर है क्या, बी। अगला सवाल दोस्तों है एनजीटी पर, सवाल देखिए, विथ रिफरेंस टू एनजीटी एक एस्टेचुअरी बॉडी है, इसे एनजीटी एक्ट 2010 के अंतर्गत बनाया गया है, ये आर्टिकल 21 मतलब कि जो राइट टू लाइफ है उसको ये फुलफिल करता है, ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं बनाया गया है, ये इसको फुलफिल करता है, इसको एनजीटी एक्ट 2010 के अंतर्गत बनाया गया है। इट इज़ अ एस्टेचुअरी बॉडी, जहाँ दोस्तों एक वैधानिक बॉडी है, मेरा पहला सही है। इट हैज़ जुरिडिक्शन ओवर ऑल सिविल केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंट, जी हाँ दोस्तों इसको कुछ कानून है जिनको इन्फोर्स करने का इसे अधिकार दिया गया है, जो एनजीटी एक्ट के शेड्यूल 1 में मेंशन्ड है, कौन कौन से कानून, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इन सब को ये इन्फोर्स करता है, इसके अंतर्गत आपको अगर कोई राइट दिया गया है तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है, कौन, एनजीटी, मेरा पहला सही है, मेरा सेकंड सही है, मेरा आंसर है यहाँ पर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आपको एक और क्वेश्चन सिंपल बना सकते थे ऐसे कि इनमें से कौन कौन सा कानून है जिसको एनजीटी इन्फोर्स कर सकता है, इनमें से कौन सा कानून है जो उसको फोर्स नहीं कर सकता एनजीटी, सिंपल सवाल बन सकता था इस पर। अगला सवाल दोस्तों है अमृत से, अमृत क्या है, ये है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट में अमृत। द स्कीम एम्स टू एस्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर डैट इंश्योर सीवेज नेटवर्क एंड वाटर सप्लाई, ये भी सही है दोस्तों, मेरा पहला सही है। द स्कीम इज डिपेंडेंट विथ PPP मॉडल, जी हाँ जी बिल्कुल सही है, मेरा सेकंड सही है। आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, मेरा पहला सही है, दूसरा भी सही है, मेरा क्या हो दोस्तों, मेरा आंसर है यहाँ पर डी, नाइदर 1 nor 2 आर इनकरेक्ट, क्यों, क्योंकि दोनों का दोनों सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा आप हमें बताइए, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।